हेलो गाइस, वेलकम टू आज कोचिंग यूट्यूब चैनल। आज मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ। आज से मैं कोशिश करूँगा कि हर रोज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड एक वीडियो डालने की कोशिश करूँ। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का जो टॉपिक मैंने चूज़ किया वो है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवलेंट बॉन्ड्स। ये सबसे बेसिक फंडा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। सबसे पहले हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बिल्कुल बेसिक जो है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको पता होगा। जैसे कि सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं हमारे, ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट क्या होती है पहले तो मैं इसे थोड़ा डिस्कस करूँगा। जैसे कि हमारे सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं हमारे सभी के सभी, वो मोस्टली कोवलेंट बॉन्ड के बने होते हैं। उनमें हमेशा मोस्टली जो है कोवलेंट बॉन्ड ही होता है हमारे सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो क्या होता है कि उस हमारे कोवलेंट बॉन्ड में बॉन्ड बनता कैसे, मान लो कि हमारे पास कोई कार्बन है, कार्बन के साथ यहाँ पे कोई एक्स ग्रुप लगा हुआ है। एक्स ग्रुप मान लो कि आप इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बिहेवियर कार्बन से ज़्यादा है, हम ये मान रहे हैं। तब क्या होगा कि ये बॉन्ड में क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है कैसे, बाय शेयरिंग। मैंने ये पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया एक वीडियो लेक्चर में, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हो। कोवलेंट बॉन्ड बनता क्या है, बाय शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन दोनों एटम्स आपस में शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट क्या है कि कई बार क्या होता है कि कोई एक एटम अपनी तरफ ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू कर देता है, तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। मान लो कि अगर इसी की हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा बोलेंगे तो क्या करेगा कि ये इस वाला इलेक्ट्रॉन, ये तो इसके पास है ही, और ये इस वाले इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से इस पर पार्शली नेगेटिव और इस पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज आएगा। हमने ये वैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में भी पढ़ा है, बट यहाँ पे हम इसे एज इफेक्ट के रूप में पढ़ेंगे कि इस इफेक्ट को बोलते हैं। वहाँ पे हमने इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में हम इसका बिहेवियर के बारे में बात करते हैं, और यहाँ पे हम इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स के डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट है कि जब आपका एक हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट लगा होता है कोवलेंट बॉन्ड में कंबाइन होता है, तो वो क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करने लगता है, जिसकी वजह से उस पर पार्शली नेगेटिव और पार्शली जो जिसकी तरफ से जाते हैं उस पर पार्शली पॉजिटिव आ जाता है, और जिसकी तरफ जाते हैं इलेक्ट्रॉन उस पर पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होती कितने टाइप की है, ये बेसिकली फोर टाइप की होती है हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। तो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट को हम आई इफेक्ट भी बोलते हैं इसको हम। तो ये मैंने मेन पॉइंट्स लिखे हैं, डेफिनेशन नहीं लिखी है। इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट है। परमानेंट मीन्स ये टेम्प्ररी नहीं होता है, हमेशा रहता है बॉन्ड्स के बीच में, ये एक परमानेंट इफेक्ट है। उसके अलावा सेकंड है कि ये होता कब है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट तभी होगा जब आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक जो होगा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, मीन्स एक ऐसा ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इन नेचर हो। एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप वो वाले ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच सकते हो। विदड्रॉइंग का मतलब अपनी तरफ खींचना, ऐसे ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स। तो इंडक्टिव इफेक्ट में एक तो ये परमानेंट इफेक्ट है, दूसरा इसके ये होता कब है, ये तभी होगा जब किसी इलेक्ट्रॉन कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जो होगा हमारे कंपाउंड में प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ कि आप सभी को इसका फॉर्मूले का नाम पता होगा, ये है हमारे पास इथेन। मैंने हेलो एल्केन्स फंक्शनल ग्रुप में पढ़ाया भी है कि जब हम इसमें से एक हाइड्रोजन, यहाँ पे जो हाइड्रोजन हैं सभी, जब हम यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव करवा के इसकी जगह पे किसी हेलोजन फैमिली, हेलोजन विदड्रॉइंग ग्रुप जो होती हैं वो सभी हेलोजन्स हैं वो हमारी विदड्रॉइंग इन नेचर होती हैं। तो जब हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करवा के इसकी जगह पे एक क्लोरीन एटम एक हेलोजन फैमिली का मेंबर है इसे अटैच कर देंगे, तो ये
इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो शो करना शुरू कर देगा क्लोरीन। क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन के कंपैरिजन में, तो ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन्स को इस यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा। तो इसी पुल को हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। अगर आपको डेफिनेशन है लिखनी है तो आप लिख सकते हो, डेफिनेशन होती है कि दिस इज अ परमानेंट इफेक्ट विच अराइज वेन एवर एन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप सच एज हेलोजन इज अटैच्ड टू द एंड ऑफ द कार्बन चेन। जब हम किसी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप को कार्बन चेन के एंड पे लगाते हैं, किसी भी एंड पे लगा सकते हो, तो वो एक इंडक्टिव इफेक्ट को शो करती है। फिर इंडक्टिव इफेक्ट हम ऐसे शो करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है इसकी तरफ मूव कर रहे हैं। हम एरोस से दिखाते हैं कि कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे क्लोरीन की तरफ मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्लोरीन पे पार्शियली नेगेटिव और कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये होता है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जब कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप मीन्स कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से, तब हम उस इफेक्ट को बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट होता है जो लेंथ के साथ डिक्रीज होता है, लेंथ के साथ ये डिक्रीज होता चला जाता है। इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज होगा जैसे जैसे हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की लेंथ इंक्रीज होगी। यहाँ पे दो कार्बन थे, इस कार्बन पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा, ये कार्बन जो है वो सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट को एक्सपीरियंस करेगा, इस कार्बन पे सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा और इस कार्बन पे इसके कंपैरिजन में कम इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। अगर इस पे तीन लग रहा है तो इस पे सिर्फ दो ही लगेगा, इस पे इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ऐसे जैसे जैसे चेन लंबी होगी, ये वाला कार्बन यहाँ इस चेन में ये वाला कार्बन मैक्सिमम जो है इंडक्टिव इफेक्ट को एक्सपीरियंस करेगा, फिर जैसे जैसे हम दूर जाएंगे ये एक्सपीरियंस कम होता जाएगा, सबसे लीस्ट ये वाला कार्बन जो है हमारा सबसे कम इंडक्टिव इफेक्ट को फील करेगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जो डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होता जाता है। आई होप आपको इंडक्टिव इफेक्ट समझ में आया होगा। इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप का होता है, एक माइनस इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरा होता है पॉजिटिव इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स हैविंग इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग कैपेसिटी मोर देन हाइड्रोजन आर रेफर्ड टू हैव माइनस आई इफेक्ट। ऐसे ग्रुप्स जो क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विदड्रॉ करेंगे, इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं अपनी तरफ, उनको हम बोलते हैं आई इफेक्ट, उनको हम बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। जैसे कि हमारा ये एग्जांपल था, ये जो लिया था इसमें क्या हो रहा है, इसमें माइनस आई इफेक्ट शो हो रहा है क्योंकि क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर रहा है। जब चेन में एक ऐसा ग्रुप लगा हो जब जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करे उसे, तब उस इफेक्ट को बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। और प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, मान लो कि आपके कार्बन पे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग की जगह पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इसे प्रोवाइड करवाएगा, जिसकी वजह से इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आना है, तब ये क्या होगा, तब ये प्लस आई इफेक्ट को शो करेगा। एग्जांपल आप ले सकते हो कि जैसे आपका मिथाइल ग्रुप जो है वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये मिथाइल ग्रुप कार्बन पे लगाया है मैंने, तो इलेक्ट्रॉन मिथाइल ग्रुप क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करवाएगा जिसकी वजह से यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा, ये सभी के सभी हमारे इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, तो इसे हम बोलेंगे पॉजिटिव आई इफेक्ट। ओके, माइनस आई इफेक्ट तब होगा जब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा जो इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, और प्लस आई इफेक्ट तब होगा जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा और वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। इसी के बेसिस पे हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन्स को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। मे बी नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पहले करवाऊँ, बाद में हम नेक्स्ट टाइप का डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट देखेंगे। इससे क्या होगा कि आप दोनों टॉपिक्स को आपस में रिलेट कर पाओगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।